कि एक्सेप्टेंस। अब हमने यहाँ पर बात कर ली, हमने पूरा जो चैप्टर है, देखो चैप्टर का नाम है हमारा प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, तो प्रपोजल वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। अब स्टार्ट होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर वैलिड एग्रीमेंट। कोई किसी ऑफर की एक्सेप्टेंस वेरी वेरी प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए, कि अगर प्रपोजल दिया गया और वो मना हो गया वहाँ से, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्टेंस के बेस पर ही चलता है। अगर एक्सेप्टेंस होगी तभी एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट होगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। व्हेन द ऑफरी और द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, जो ऑफरी है या जिसको ऑफर दिया गया है अपनी एक्सेप्टेंस देता है, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, उस टाइम ऑफर को एक्सेप्टेड बोलेंगे हम। एन ऑफर बिकम्स ए प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट ओनली आफ्टर इज एक्सेप्टेंस। एक ऑफर प्रॉमिस तभी बनेगा या एग्रीमेंट तभी बनेगा जब वो एक्सेप्टेड हो जाएगा प्रोमीजी के द्वारा। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमीजर एंड द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द प्रोमीजी। आगे है हु कैन एक्सेप्ट। वैन एन ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। देखिए, जब एक पर्टिकुलर पर्सन को एक ऑफर दिया गया है तो वो पर्टिकुलर पर्सन ही जब उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को छोड़कर किसी तीसरे पर्सन ने एक्सेप्टेंस दे दी है तो वह एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, नहीं। जिस पर्सन को एक्सेप्टेंस देने के लिए प्रपोजल दिया गया है उसी की एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेड मानी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, हमने ये बात कहा था कि ऑफर दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर एक स्पेशल पर्सन को दिया जाएगा, एक इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाएगा कि उसी की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। आगे बेटा, एक स्पेशल जो प्रपोजल दिया जाएगा, स्पेसिफिक प्रपोजल एक स्पेशल पर्सन की एक्सेप्टेंस के लिए दिया जाएगा, लेकिन अगर एक जनरल ऑफर दिया गया तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो हु कैन एक्सेप्ट, ये हो जाएगा। आगे है रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या क्या हैं, देखिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। देखो, अगर आपने किसी प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दी है तो वो एक तो स्पष्ट होनी चाहिए कि हाँ, आप बता रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है, कि भाई मैं आपने आपका जो प्रपोजल है मैंने वो एक्सेप्ट किया। और अनकंडीशनल होना चाहिए, ये नहीं है कि मैं आपका प्रपोजल इस एक्सेप्ट कर लूँगा लेकिन आपको इसके बदले में ये करना पड़ेगा। अनकंडीशन नहीं होनी चाहिए, बीच में अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। एक प्रॉपर मैथड होना चाहिए एक्सेप्टेंस को देने का। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(2) ऑफ द एक्ट, इफ द पर्सन मेकिंग द ऑफर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ मेथड फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, अगर एक पर्सन ने प्रॉपर एक मेथड यूज़ किया है, प्रिस्क्राइब मेथड यूज़ किया है एक्सेप्टेंस के लिए, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय दैट मेथड, तो वो जो एक्सेप्टेंस होगी ना वो भी उसी मेथड से दी जानी चाहिए। For example, if the proposal wants to acceptance to be communicated by telegram, it must be done by telegraphically. देखो, अगर सामने वाले बंदे ने हमारे को ये बोला है, प्रपोजल दिया है टेलीग्राम के थ्रू, उसने बोला भी है कि टेलीग्राम के थ्रू ही आप मेरे को एक्सेप्टेंस भेजना, तो हमें एक्सेप्टेंस जो है टेलीग्राफिकली ही भेजनी पड़ेगी, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब मैनर है उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। द प्रपोजर कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफ्यूजल। जो प्रपोजर है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता रिफ्यूजल का मेथड। जो प्रपोजर को प्रिस्क्राइब कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफ्यूजल, प्रपोजल ये आपको नहीं बता सकता कि अगर रिफ्यूजल करते तो कौन सा मेथड होगा। द प्रपोजल नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड इफ द ऑफर मेड बाय हिम इज एक्सेप्टेड, बट ही कैन नॉट इंसिस्ट ऑन हिम बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ इट्स नॉन एक्सेप्टेंस। इट इज़ राइट ऑफ ऑफरी टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और नॉट टू एक्सेप्ट इट। देखो, प्रपोजल ना हमको ये नहीं बोल सकता कि अगर आप रिफ्यूज़ कर दोगे मेरा जो है प्रपोजल है नॉन एक्सेप्टेंस पे, तो वो क्या है भाई, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप इसको नॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते या फिर इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। वो आपकी चॉइस है, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहो या उसको रिफ्यूज़ करना चाहो। एन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनटिल इट इज़ रिन्यूड। एक ऑफर अगर एक बार रिजेक्ट हो गया
कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज रिन्यू. देखो एक एक प्रपोजल आया मेरे पास, ठीक है, वो तब तक दोबारा मैंने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया. अगर उसको एक्सेप्ट करना है ना, तो वो सेम जो ऑफ़र है वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको रिन्यू करना पड़ेगा. जब तक वो रिन्यू होके नहीं आएगा तब तक वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं होगा. ए रिजेक्टेड ऑफ़र इज़ अ डेड ऑफ़र सो टू से एंड नीड्स टू रिवाइव बिफोर इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस. उसको रिवाइव नहीं करना चाहिए, जब तक वो रिन्यू नहीं होगा तब तक उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते दोबारा. If A offers to sell so quintals of sugar to B at 1000 per quintal and B writes back that he is prepared to buy sugar only at 750 per quintal, B has rejected A's proposal. B उसका proposal reject कर देता है. And if B sends another telegram saying that he is prepared to buy at 1000 per quintal, A is not bound by it because its A's original offer has been rejected by B. उस टाइम पे वो बाउंड नहीं होगा कि हाँ भाई, क्योंकि भाई मेरे को ये अब वापस करना चाहिए एग्रीमेंट, क्योंकि उस टाइम पे वो पहले उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. अगर आपने किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है तो उसको आपको जो भी ऑफरर है जिसने आपको ऑफ़र दिया है उसको उसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है. बिना कम्युनिकेशन के वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, मतलब जो बोल के बोली जानी, और इम्प्लाइड भी होनी चाहिए जो बिना किसी, मतलब कि बिना बोले वो वहाँ पर इम्प्लाई हो जाती है. एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस में भी रिटन और बाय वे वर्ड और माउथ, वेयर एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कुड बी रिफ्लेक्टेड बाय द एक्शन और बिहेवियर ऑफ द पर्सन. देखो एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है वो तो किसी के द्वारा रिटन में होगी या फिर बोल कर बताई होनी चाहिए, लेकिन जो इम्प्लाइड जो है एक्सेप्टेंस वो उस पर्सन के बिहेवियर के थ्रू हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया है. द लेटर इज आल्सो कॉल्ड टैसिट एक्सेप्टेंस, को बोलते हैं टैसिट एक्सेप्टेंस, यानी कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस को हम बोलते हैं टैसिट एक्सेप्टेंस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, टैसिट एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और एक्सेप्टेंस बाय रिसीविंग कंसिडरेशन. For example, if a reward has been announced for the restoration of missing item, for example, अगर एक reward announce किया गया है कि भाई missing जो item है वो restore हो जाए इसके लिए, and a person who knows about such announcement finds and restore the missing item, उसने उसको find कर लिया, उसको restore कर दिया missing item को, it would be deemed to be acceptance of the ऑफ़र ऑफ द रिवार्ड बाई द पर्सन रिस्टोरिंग द आइटम. इसलिए उसने क्या कर दिया, देखो उसको ये मिला कि मिसिंग आइटम जो खोज के लेके आएगा उसको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा. उस बंदे ने क्या किया, एक्सेप्टेंस वहाँ पर इम्प्लाई अपने आप हो जाएगी क्योंकि वो ढूंढ के लेके आया उस मिसिंग आइटम को. तो अब उस टाइम उसने मुँह पर बोला नहीं, मुँह से वर्ड एक्सप्रेस नहीं किए कि भाई उसको वो चाहिए या नहीं चाहिए, मीन्स वो ढूंढ के लाएगा या नहीं लाएगा, उसने या ये उसने मुंह से नहीं बोला, लेकिन वो ढूंढ के ले आया. दैट मीन्स वो अपने आप ही एक्सेप्टेंस इम्प्लाई हो गई वहाँ पर. एन एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस. एक एक्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, बिना नॉलेज ऑफ प्रपोजल के इज नो एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस नहीं है. एक ऐसा एक्शन जो बिना नॉलेज, प्रपोजल की नॉलेज पता नहीं प्रपोजल क्या आ रहा है अपना को, एक्सेप्टेंस नहीं है. देखो मान लो मैंने, मानो मुझे किस मुझे ये नहीं पता कि सामने वाला मुझे क्या प्रपोजल दे रहा है, और उसको मैंने वैसे हाँ कर दी, ठीक है, तो विदाउट नॉलेज ऑफ प्रपोजल मैंने उसको हाँ कर दी, उसे एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे हम, ठीक है. एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड. देखो एक्सेप्टेंस सिर्फ उसी पर्सन को की मानी जाएगी जिसको वो ऑफर दिया गया है, जिसके साथ वो प्रपोजल किया गया है. मान लो मुझसे पूछा गया है कि आप अपनी स्कूटी बेचना चाहते हो, तो मेरी ही एक्सेप्टेंस मानी जाएगी वहाँ पर. ये नहीं कि मेरी कोई फ्रेंड कह दे हाँ भाई ठीक है, नहीं, मैं ही एक्सेप्टेंस दूंगी तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द लैप्स ऑफ और विदड्रॉल ऑफ एन ऑफर. देखो किसी ने मुझे प्रपोजल दिया, ठीक है, और मैंने उसको उस टाइम बोला उसने कि भाई बता दे मेरे को 2-3 दिन में कि भाई स्कूटी मेरे को तेरे को बेचनी है नहीं बेचनी. मैंने बोला ठीक है 2-3 दिन का टाइम दे. 2-3 दिन के बाद वो
दिन, चौथा दिन हो गया आज, पांचवा दिन हो गया मान लो, ठीक है। तो लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया जितना मैंने बोला था, ठीक है। और या फिर सामने वाले पर्सन ने पहले, या तो टाइम खत्म हो गया, उसके बाद वो जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी, उसके बाद कोई एक्सेप्ट करता है, मान लो मैं 5 दिन बाद बोलूँ हाँ मैंने एक्सेप्ट, नहीं वो नहीं मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस का टाइम लैप्स हो गया है, ख़त्म हो गया है। या फिर मेरे से किसी ने पूछा स्कूटी बेचनी है, तो मैंने बोला ठीक है बताऊँगी, उससे पहले उसको कहीं से और स्कूटी मिल गई और उसने अपना ऑफ़र विड्रॉल कर लिया कि भाई मेरे को स्कूटी मिल गई है, अब मेरा ऑफ़र वापस दे दो, ठीक है, मेरे को नहीं लेनी स्कूटी। लेकिन उस टाइम मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आगे है मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। देखिए, हमें से किसी ने पूछा कि स्कूटी बेचेगी, मैं अपने मन में बता रही हूँ कि हाँ बेच देती हूँ यार, बेच देती हूँ, काम की तो है नहीं ये वो, उसको कम्युनिकेट नहीं किया मैंने, अपने माइंड बना लिया कि बेच देती हूँ, तो वो मेंटल एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स और इन राइटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एक्सेप्टेंस फ्रॉम द लीगल स्टैंड पॉइंट। लीगल स्टैंड पॉइंट में जब तक कोई वर्ड्स को मुँह से नहीं बोला गया, रिटन में नहीं लिखा गया, तब तक वो चीज़